हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, हमारे किसी व्यूअर की एक रिक्वेस्ट आई थी कि 10-2 पर एक वीडियो बनाइए प्लीज। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं 10-2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। 10-2 TEND 10-2 गाइस, होता क्या है 10-2, इसके बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक महिला है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, पैसे है, लेकिन फिर भी जब भी वो कोई सामान खरीदने जाती है तो वो उसे कम कराने लगती है, बार्गेन करने लगती है, यानी कि बार्गेनिंग करने लगती है। चाहे वो सब्जी खरीदने जाए, अगर 20 रुपए किलो भी है तो कहती भैया 15 का लगा लो, यानी कि वो बार्गेनिंग करती है। इट मींस कि वो जो महिला है उसकी वो प्रवृत्ति है, उसका वो नेचर है कि वो बार्गेनिंग करेगी। वो नेचर, वो प्रवृत्ति, वो टेंडेंसी, वो कैरेक्टरिस्टिक है उसके अंदर कि उसे करना ही करना है, ये उसके नेचर में बसा हुआ है। तो गाइस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई ऐसी टेंडेंसी हो, ऐसी प्रवृत्ति हो किसी काम को करने की, किसी को बहुत ज्यादा झूठ बोलने की टेंडेंसी होती है, तो आप आदत से आप उसको तुलना कर सकते हो कि आदत होती है, बट यहां एकदम प्रवृत्ति है, एक नेचर में ही बसा हुआ है। तो ऐसे में गाइस आपको 10-2 का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर किसी न्यूज़पेपर में आपको 10-2 के बाद कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो आप समझ जाना कि उस व्यक्ति का झुकाव होगा उसके प्रति, वो कोई टेंडेंसी होगी, कोई उसकी एकदम नेचर होगी, प्रवृत्ति होगी। इस तरीके से आपको सोचना होगा। हिंदी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन यही है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या सेंटेंस है और क्या स्ट्रक्चर। वेल गाइस, मैंने एक एग्जांपल उठाया है कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, यानी कि वो उसके नेचर में है, उसके अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है, वो झूठ ही बोलेगा या बोलेगी। तो उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है। अगर प्रेजेंट में प्रवृत्ति है तो देखिए गाइस, सबसे पहले आप सब्जेक्ट उठाइए। सब्जेक्ट अगर ये आई वी यू दे प्लूरल है और हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि उसकी प्रवृत्ति है, तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले पे बनाएंगे। तो आई वी यू दे है, उसके साथ आपको 10-2 बोलना होगा। जैसे मेरी प्रवृत्ति है आई 10-2, आपकी प्रवृत्ति है यू 10-2, हमारी प्रवृत्ति है वी 10-2, उन लोगों की प्रवृत्ति है दे 10-2, मेरे दोस्तों की प्रवृत्ति है, उनकी टेंडेंसी है माई फ्रेंड्स 10-2। अगर वो कोई थर्ड पर्सन सिमिलर हो, जैसे ही शी इट, मम्मी पापा भाई बहन, एक एक बंदा अलग अलग, मम्मी पापा एक साथ नहीं, बिल्कुल थर्ड पर्सन सिमिलर, तो ये जो टेंड है इसमें आप एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा टेंड्स टू। जैसे शी टेंड्स टू, ही टेंड्स टू, माई ब्रदर टेंड्स टू, माई मदर टेंड्स टू, माई फादर टेंड्स टू, एस का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों आपको। अगर ये पास्ट में है, जैसे कि किसी की प्रवृत्ति थी अब नहीं है, तो गाइस आपको इसका सेकेंड फॉर्म दिखाना होगा टेंडेड। अगर मेरी प्रवृत्ति थी आई टेंडेड टू, आपकी प्रवृत्ति थी यू टेंडेड टू, तो ये टेंडेड हर सब्जेक्ट के साथ आता है दोस्तों। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये जो हमारा सेंटेंस है कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, अगर वो कोई मेल है तो उसे ही बोलिए, फीमेल है तो शी बोलिए। तो ही यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हमें ये उठाना है टेंस टू। तो ही टेंस टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो झूठ बोलना आप लाई भी कह सकते हैं या टेल अ लाई भी कह सकते हैं। तो चलिए टेल अ लाई लिखते हैं, टेल अ लाई। यहां ये ए लगाना होता है, ये एक ऑलरेडी बना हुआ फ्रेज है। तो ही टेंड्स टू टेल अ लाई, यानी कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, उसकी वो टेंडेंसी है, उसका झूठ बोलने के प्रति बहुत झुकाव है। इसकी हिंदी जो भी हो, कोई बोलेगा कि उसका स्वभाव झूठ बोलने का है, उसका नेचर है वो। तो जब भी आपको 10-2 दिखाई दे तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं बंदे के अंदर वो प्रवृत्ति ही है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। हिंदी बहुत टफ हो जाता है कई बार समझाना, क्योंकि अंग्रेजी वो अंग्रेजों की लैंग्वेज है, हम अपने हिंदी के चक्कर में परेशान हो जाते हैं कि ऐसा साउंड मैच करेगा तो हम क्या करेंगे। दिस इज डिफरेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज डिफरेंट लैंग्वेज। वेल गाइस, अब इसमें मैं बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता हूं और इसे ट्रांसलेट करता हूं। देखिए गाइस कि कैसे ट्रांसलेट होता है। उसकी प्रवृत्ति बार्गेनिंग करने की है, शी टेंड्स टू बार्गेन।
मेरी प्रवृत्ति बच्चों के साथ खेलने की है, यानी कि मेरा स्वभाव है खेलने का, मेरी टेंडेंसी है, आई टेंड टू प्ले विद किड्स. उसकी टेंडेंसी दूसरों की बुराई करने की है, शी टेंड्स टू क्रिटिसाइज अदर्स. आपकी प्रवृत्ति बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की है, यू टेंड टू एग्जैजरेट द थिंग्स. उसका स्वभाव हर एक चीज पर अपसेट हो जाने की है, ही टेंड्स टू गेट अपसेट ओवर एवरीथिंग. सो गाइस, अगर इसे हमें नेगेटिव में बोलना हो कि मेरी वैसी प्रवृत्ति नहीं है, तो अगर प्रेजेंट में मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है दोस्तों, तो हम डोंट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के साथ. सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर आई वी यू दे प्लूरल है तो डोंट लगाइए, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डजंट लगाइए. ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर में अगर पॉजिटिव में होता तो हम एस सी एस लगा रहे थे ना, एस लगा रहे थे टेंड्स टू, और जब वो नहीं है तो डजंट होगा, और डजंट होते ये एस गायब हो जाएगा. जैसे अगर मुझे बोलना है कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की नहीं है, अगर वो फीमेल है तो शी डजंट टेंड टू टेल अ लाई, फिर टेंड्स नहीं होगा. जैसे डजंट आएगा तो वो जो एस है ये वो हट जाएगा, हम उसे नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स. अगर ये पास्ट में होता तो आपको डिडंट का इस्तेमाल करना होता, कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की नहीं थी तो डिडंट लगाना होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म टेंड, फिर हम ये टेंडेड नहीं बोल सकते हैं, टेंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ये जो आपका ऑब्जेक्ट है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की नहीं थी, ही डिडंट टेंड टू टेल अ लाई. उसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बोलने की नहीं है, शी डजंट टेंड टू टॉक टू मच, स्पीक टू मच. कई बार फ्रेंड्स आपको जो नेगेटिव मिलेगा टेंड टू के साथ वो अलग भी मिल सकता है थोड़ा, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं. यहां पर हमने डोंट, डजंट और डिडंट का इस्तेमाल किया. कई जगह आपको क्या मिलेगा कि सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए यहां देखते हैं सब्जेक्ट है, उसके बाद टेंड भी होगा, मान लीजिए टेंड्स कर देते हैं, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेकर चलते हैं प्रेजेंट एक्टिव में, तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी करने की नहीं है, तो शी टेंड्स, और यहां पे लिखा होगा नॉट टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो अगर ऐसा लिखा हो कि शी टेंड्स नॉट टू टेल अ लाई, यानी कि उसकी प्रवृत्ति है झूठ ना बोलने की, तो कई लोग ऐसे भी कहेंगे कि शी टेंड्स नॉट टू टेल अ लाई, और कई बोलेंगे शी डजंट टेंड टू टेल अ लाई. सो गाइस, दोनों को समझने की कोशिश कीजिए, एक ही जैसा दोनों ही साउंड कर रहा है. इसमें अगर डॉन डजेंट है, इसका मतलब है कि उसकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की नहीं है, शी डजेंट टेंड टू टेल अ लाई, और इसमें क्या है ऊपर वाले में कि शी टेंड्स, उसकी प्रवृत्ति है नॉट टू टेल अ लाई, झूठ ना बोलने की. तो अगर कहीं पर आपको ऐसा नजर आ जाए तो आप समझ लेना कि उसकी प्रवृत्ति है ऐसा ना करने की, और अगर डॉन डजेंट डिडेंट मिल जाए तो उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है कुछ करने की. तो ये सब अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिले कहीं न्यूज़पेपर में तो आप समझ जाना है तो दोनों ही नेगेटिव. इसमें लोग जोर देते हैं कि प्रवृत्ति है पर कुछ ना करने की प्रवृत्ति है, और डॉन डजेंट में प्रवृत्ति ही नहीं है कुछ करने की. सो कुल मिलाकर के नेगेटिव जो है वो इन दोनों तरीके से होता है, मैंने आपको समझाया. मोस्टली लोग ये डॉन डजेंट और डिडंट का ही इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स. अगर सवाल पूछना है कि क्या तुम्हारी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, तो प्रेजेंट में आई वी यू दे के साथ आपको ये डू लगाना होगा, थर्ड पर्सन के साथ डज लगाना होगा, और जो पास्ट वाला था उसके साथ डिड लगाना होगा, और ये सब बिल्कुल सामने होगा. यानी कि क्या आपकी प्रवृत्ति झूठ बोलने की है, तो डू यू, पहले डू, डज या डिड से ही शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब है. डू यू टेंड टू टेल अ लाई, क्या मेरी प्रवृत्ति झूठ बोलने की थी, डिड आई टेंड टू टेल अ लाई. तो ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाते हैं फ्रेंड्स. सो गाइस, टेंड टू जो प्रवृत्ति होना है उस पर इतना ही है गाइस मैटर. कई बार टेंड का एक और मतलब देखा जाता है फ्रेंड्स, वो है किसी की केयर करना, देखभाल करना. जैसे कि वो अपने बगीचे की बहुत देखभाल करती है, शी टेंड्स हर गार्डन, ऐसा भी आपको कहीं सेंटेंस मिल जाए तो आप समझ लेना कि उसमें कहीं ना कहीं वो देखभाल करने की फीलिंग आ रही है,
ही टेंड्स हिज बार, कब सुना होगा बार टेंडर, आपने सुना होगा अपने बार की देखभाल करते हैं तो बार टेंडर। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही है। मोस्टली जो टेंड टू मुझसे पूछा गया था, उस टेंड टू का मतलब है कि आपका कोई स्वभाव है, प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, उसी के बारे में मैंने यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आपके समझ में आया हो और पसंद आया हो तो जो लोग मुझसे अब तक नहीं जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ है मेरे पास सिखाने को और मेरे व्यूवर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास दोस्तों। तो प्लीज आप बहुत जल्दी उतावले ना हो, सबके लिस्ट जो है मेरे पास एक एक करके मैं वो वीडियोस कंप्लीट करता जा रहा हूँ। आपके मन में कोई भी सवाल हो इंग्लिश से रिलेटेड प्लीज पूछिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा फ्रेंड्स। सो गाइस टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।